नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा आम बजट, 3 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र। खाड़ी में तनाव कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है भारत। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ का बयान। दिल्ली में हो रहे 5वें रायसेना डायलॉग के दूसरे दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी संबोधन। कहा, आतंकवाद से सख्ती से निपट रहा है भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का रूस ने किया समर्थन। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पाकिस्तान की ओर से चलाए जा रहे छद्म युद्ध में आई कमी। सेना दिवस के मौके पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे का बयान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सेना दिवस पर सैनिकों और उनके परिजनों के त्याग और धैर्य को किया नमन। देश में रोजगार के समाधान का राजमार्ग बनेगा स्किल इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में भारतीय कौशल संस्थान की रखी आधारशिला। कहा, कांग्रेस ने 70 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को सिर्फ $2 ट्रिलियन तक सीमित रखा। 2024 तक भारत $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को करेगा हासिल। और जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का शीर्ष कमांडर ढेर। कई आतंकी वारदातों में था शामिल। भारी मात्रा में हथियार बरामद। और आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। संसद के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा जो 3 अप्रैल तक चलेगा। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया जाएगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सेंट्रल हॉल में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। वही दूसरा भाग 2 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा। इस सत्र में 31 बैठकें होंगी। राजधानी दिल्ली में 5वें रायसेना डायलॉग का आज दूसरा दिन है। इस मौके पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की हिमायत की। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कहा कि मध्य पूर्व में भारत की अहम भूमिका हो सकती है। वहीं अफगानिस्तान के सुरक्षा सलाहकार हमदुल्लाह मोहिब ने विकास कार्यों में भागीदारी के लिए भारत के प्रति आभार जताया। 5वें रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि भारत को इस समूह का हिस्सा होना ही चाहिए। Only deficiency of the Security Council is underrepresentation of the developing countries. And we repeatedly reiterated our position that India and Brazil absolutely deserve to be on the council together with an African candidate. And our position is that the purpose of the reform is to make sure that the developing countries have a better treatment in the central organ of the United Nations. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक शब्दों में कहा कि हम आतंकवाद से सख्ती से निपट रहे हैं। एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के लिए संबंधों में संतुलन अहम है, हमें एक दूसरे के साथ चलना होगा। उन्होंने कहा कि भारत की कोशिश दुनिया में स्थायित्व कायम करने की है।
the India-China relationship, I think, has a very unique characteristic, which is that very rarely in history have two powers who are neighbors actually gone up in the international order in approximately the same time frame. So each one of the countries is sort of reaching a new equilibrium with the world, but also with each other at the same time. It's, to my mind, absolutely necessary that the two countries find an equilibrium and find accommodation and understanding on the key issues which affect each other. ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने भी रायसीना डायलॉग को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व के हालात बहुत गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि भारत खाड़ी क्षेत्र में तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन उनका ये भी आरोप था कि ईरान को यूरोप की तरफ से भी निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में शांति के लिए अमेरिका को सिर्फ अपने चश्मे से देखना बंद करना होगा। When they assassinated a revered general in Iraq, violating Iraqi sovereignty, they thought, as Secretary Pompeo tweeted, that people would be dancing in the streets of Tehran and Baghdad. Now you've seen the reaction, not just in Iran. There were spontaneous demonstrations and meetings to commemorate General Soleimani. You cannot bring 9 million people to the streets with force. So the United States needs to think again about our region. They're making mistake. रायसीना डायलॉग को मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद और अफगानिस्तान के एनएसए हमदुल्ला मोहिब ने भी संबोधित किया। भू राजनीति और भू अर्थनीति पर भारत का महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन रायसीना संवाद मंगलवार से दिल्ली में हो रहा है। रायसीना डायलॉग में 105 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। शांति के प्रयास, जलवायु परिवर्तन और डिजिटाइजेशन की तरफ से आने वाली चुनौतियाँ, ये तीन अहम मसले हैं जिन पर रायसीना डायलॉग में तरह तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं और चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सबका ध्यान भारत की तरफ केंद्रित है। अब देखना यह है कि भारत किस तरह से इन इच्छाओं और इन अपेक्षाओं को पूरा करता है, खासतौर पर तब जब पूरी दुनिया एक बदलाव के दौर में है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। वहीं रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने पहुंचे ईरान और रूस के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच खाड़ी में बने हालात पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान सितंबर 2019 में ईरान के राष्ट्रपति रूहानी के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में गर्मजोशी से हुई बातचीत को याद किया। उन्होंने ईरान के साथ मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने की भारत की लगातार जारी प्रतिबद्धता को दोहराया। वहीं रायसीना डायलॉग में भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के दावे का समर्थन करने वाले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव वर्ष पर रूस की जनता की शांति और समृद्धि की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने प्रधानमंत्री को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर रूस की स्थिति की जानकारी दी। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज सेना दिवस के मौके पर कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना ऐतिहासिक कदम रहा और इससे पाकिस्तान की ओर से चलाए जा रहे प्रॉक्सी वॉर और आतंकवाद से निपटने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सेना सतर्क है और आतंक का जवाब देने के लिए किसी भी विकल्प का चुनाव किया जा सकता है। Now commences the painful charge characterized by speed, aggression and ruthlessness. 72वें सेना दिवस के मौके पर दिल्ली कैंट स्थित करियप्पा परेड ग्राउंड में भारतीय सेना का शौर्य दिखा। Here,
सेना ने दिखाया कि वो क्यों उच्च स्तर की प्रोफेशनल फोर्स कही जाती है और उसकी तैयारी क्या है। इस दौरान सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने सेना के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सैनिक भले ही मुश्किल इलाकों में तैनात हों, लेकिन वो हमेशा देशवासियों के दिल में रहते हैं। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश भी दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर को झटका लगा है। धारा 370 को हटाना एक ऐतिहासिक कदम है जो जम्मू और कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्य धारा में जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस फैसले ने पश्चिमी पड़ोसी और उसके प्रॉक्सीज की योजना को बाधित कर दिया है। आतंक के प्रति हमारा पॉलिसी जीरो टॉलरेंस का है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के खिलाफ आतंक करने वालों को जवाब देने के लिए हमारे पास अनेक विकल्प हैं, जिनका इस्तेमाल करने में हम नहीं हिचकिचाएंगे। सेना प्रमुख ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वीरगति पाने वालों और उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन करने वालों को सेना मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सेना को अत्याधुनिक हथियार और युद्धक साजो सामान से लैस करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इस साल भी कुछ ऐसे वेपन सिस्टम और इक्विपमेंट जो उपलब्ध कराए जाएंगे, उनमें AK-203 राइफल्स, शारंग गन सिस्टम और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल है। आप निश्चित रहें कि सरकार आपकी जंगी जरूरतों को हर हाल में पूरा करेगी। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के अलावा नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी मौजूद रहे। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में हुई सेना दिवस परेड का नेतृत्व कैप्टन तानिया शेर गिल ने किया। परेड संचालन करने वाली वो पहली महिला अधिकारी है। सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने इस बात के लिए आश्वस्त किया कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उस पर कोई आंच नहीं आ सकती। इसके साथ ही सेना प्रमुख ने भी बड़ा बयान दिया है और ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटाई गई है, तब से पाकिस्तान का जो परोक्ष युद्ध है वो कमज़ोर पड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है वो निर्णायक दौर में है। और इसके साथ ही सेना ने आश्वस्त किया है कि भारत की जो सुरक्षा है वो अक्षुण रहेगी। दिल्ली में जुनैद के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा TV। सेना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS बिपिन रावत ने सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में भारतीय कौशल संस्थान की नींव रखी। इस दौरान उनके साथ गुजरात के CM विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। अमित शाह ने गांधीनगर जिले के नासमेड गांव में भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी। समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय युवाओं के कौशल का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है, तभी मोदी सरकार बनने के बाद कौशल विकास का अलग से विभाग बनाया गया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। देश में परिवर्तन हुआ, नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अलग विभाग बनाकर, एक नया विभाग की रचना करकर भारत सरकार में इसको द्रुत गति से स्पीड के साथ आगे ले जाने की शुरुआत की। इस स्किल इंडिया का कार्यक्रम आने वाले दिनों के अंदर देश की रोजगारी का समाधान का एक राजमार्ग बनने वाला है जो नरेंद्र मोदी। ये रास्ता ही हमें युवा को रोजगार की दिशा में
आगे ले जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 70 साल के शासन की अर्थव्यवस्था के मुकाबले देश में 5 साल में अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिली है, जिसे 2024 तक और बढ़ाया जाएगा। 70 साल की आजादी के बाद के 70 साल तक इस देश की इकोनॉमी को अब $2 ट्रिलियन तक ले गए, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया, और नरेंद्र मोदी जी ने $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी को एक 5 साल के अंदर $3 ट्रिलियन की बनाने का काम, एक और 70 साल में $2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनी, हमारी इकोनॉमी बनी, और एक 5 साल के अंदर इसके अंदर 50% का इजाफा कर $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी। और आज मैं फिर से एक बार इतने सारे युवाओं के बीच में इस मंच से कहना चाहता हूं कि 2024 में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर देश दुनिया के सबसे बड़े अर्थतंत्र के बीच में। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां डोडा में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के डिस्ट्रिक्ट कमांडर को मार गिराया है। हारून हफाज नाम के आतंकी सरगना की सेना को काफी दिनों से तलाश थी। उधर घाटी की इस साल की दूसरी मुठभेड़ में सोमवार को सुरक्षा बलों ने बड़गाम में हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को मार गिराया था। मारे गए आतंकी से पिस्टल और ग्रेनेड बरामद किए गए थे। इस साल अब तक इस संगठन के 6 दहशतगर्द मारे गए हैं। इस ऑपरेशन में बहुत खूंखार तरह का आतंकी जो है वो मारा गया है। हारून आवास जो घाट डोडा का रहने वाला था, हारून आवास ऐसा टेररिस्ट था जो उसामा के साथ मिलकर के जो पूरा चनाब वैली का खित्ता, जिसमें डोडा, किश्तवाड़, बटोट, रामबन, ये सारी बेल्ट आती, इसमें मिल्टनसी को फिर से जिंदा करने की कोशिश में था। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह भी कहा कि आतंकी गतिविधियों में शामिल जम्मू डीएसपी देवेंद्र सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र सिंह को वीरता पदक से पुरस्कृत करने की खबर गलत है। देवेंद्र सिंह को गृह मंत्रालय से कोई बहादुरी पदक नहीं दिया गया था। पहले तो मैं बता दूं कि उसका सस्पेंशन इस कार्रवाई जिसमें वो मुलव्वस था उसकी वजह से हो चुका है। आफ्टर दैट हिज सैकिंग इज आल्सो बीइंग recommended and government would take a call on that. और इसके साथ साथ जो पहले मैंने कल बताया था कि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHA, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसी तरह का कोई गलेंट्री या मेरिटोरियस मेडल नहीं मिला है। निर्भया के दोषी मुकेश की डेथ वारंट पर रोक लगाने की याचिका का हाईकोर्ट से निपटारा करते हुए ट्रायल कोर्ट में अपील करने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत में याचिका दाखिल करने के पीछे कहीं मामले को लंबा खींचना तो नहीं है। इससे पहले दोषी के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में कुछ भी गलती नहीं है, अगर दोषी चाहे तो वो सत्र न्यायालय में याचिका डाल सकता है। वहीं दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि दोषियों के पास कई दया याचिका के विकल्प के चलते 22 जनवरी को फांसी संभव नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि दया याचिका खारिज होने के बाद 14 दिन का समय दोषियों को दिया जाता है, इसलिए मुकेश की ये याचिका प्रीमच्योर है। मेहरा ने कहा कि जब राष्ट्रपति दया याचिका खारिज कर देंगे तभी फांसी का रास्ता साफ हो सकेगा। निर्भया के माता पिता की याचिका पर 7 जनवरी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अहम फैसले में डेथ वारंट जारी किया था। इसके खिलाफ ही एक दोषी मुकेश ने याचिका दी थी। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई। जलवायु परिवर्तन से मानवता के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। कोरल रीफ, रेन फॉरेस्ट और अन्य महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों के विनाश ने मानव समाज को संकट में डाल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के करीब एक तिहाई महासागरों और भूमि पर जैव विविधता रोकने के लिए सख्त कदम उठाना होगा। हालात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने पृथ्वी पर 6ठे बड़े विलुप्त
को रोकने के लिए 2030 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा जैविक विविधता का मसौदा तैयार किया गया है, जिसे इस साल अक्टूबर में चीनी शहर कुनमिंग में होने वाले संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में अपनाया जा सकता है। 20 सूत्रीय मसौदा योजना के तहत प्लास्टिक कचरे और अतिरिक्त पोषक तत्वों से प्रदूषण को 50% तक कम किया जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली में अपना 145वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर अधिकारियों ने मौसम विभाग की उपलब्धियों और देश को उसकी सेवाओं को साझा किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव ने कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान ने पिछले कुछ समय में अपनी गुणवत्ता में काफ़ी सुधार किया है। उन्होंने कहा कि मौसम की सटीक जानकारी में बेहतर और उच्च तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। मौसम विभाग सटीक और सही जानकारी के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। Mainly because we invested in two, three items. One is improving observational systems and improving models. We have adapted models from US and UK, but then we have fine-tuned it for our own region. And a lot of data is going into the models now. And we have acquired a very big computer, so because computer is very important for running models. And so we are able to run the model at very high resolution compared to other countries. And also we invested in training our people, IMD people. We have sent a lot of people abroad for training and they got experience and came back and did a lot of good work for us. So IMD is on the right track. And okay, next few years, if this momentum is kept or if we can oscillate further, IMD will do a much better job for the country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 61वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस वर्ष का पहला मन की बात कार्यक्रम अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण दिन 26 जनवरी को हो रहा है। उन्होंने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा। इसके लिए 1800-11-7800 पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS पर मिले लिंक पर भी सीधे सुझाव भेजा जा सकता है। लोग नमो ऐप, ओपन फोरम या MyGOV फोरम पर भी अपने विचार दे सकते हैं। ये सुझाव 25 जनवरी तक भेजे जा सकते हैं। कुछ रिकॉर्डेड संदेश मन की बात कार्यक्रम में प्रसारित किए जा सकते हैं। तमिलनाडु में पोंगल के दौरान खेले जाने वाला प्राचीन खेल जल्लीकट्टू की शुरुआत मदुरई में हुई। यह आयोजन 31 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान पूरे तमिलनाडु में विभिन्न जल्लीकट्टू कार्यक्रमों में लगभग 2000 सांडों के शामिल होने की संभावना है। देश भर में हर साल लगभग 4,67,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें इमरजेंसी केयर ना मिलने के चलते कई बार लोगों की जान चली जाती है या फिर वो व्यक्ति जीवन भर के लिए अपंग हो जाता है। ऐसे में इस समस्या के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सड़क महासंघ द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, फिक्की और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संयुक्त रूप से आयोजित सड़क सुरक्षा अभियान के 31वें सप्ताह में आज एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका विषय था ट्रॉमा केयर एंड नेशनल मिशन। कार्यक्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी भी इसमें शामिल रहे। केंद्र सरकार ने आज से सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। अब सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषण बनाए और बेचे जा सकते हैं। हालांकि सरकार ने बिना हॉलमार्क वाले पुराने आभूषणों को बेचने के लिए ज्वेलर्स को एक साल यानी 15 जनवरी 2021 तक का वक्त दिया है। नए नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने अब सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब 14,
18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषण ही बनाए और बेचे जा सकते हैं। अभी हमने कहा है कि एक साल का समय भी तो दिए है ना, एक साल के अंदर में हम अपना जो हमारा अभी अभी कुल मिलाकर के इन्होंने बताया ना कितना अभी 800 अभी अभी कुल मिलाकर के जो है 892 जो है हॉल मार्किंग केंद्र है और 234 जिला में है, तो 600 जिला है। तो हम लोगों ने कहा है कि हम लोग उसमें प्रायोरिटी ले रहे हैं। सरकार ने जौहरियों को एक साल का वक्त दिया है ताकि वो बिना हॉलमार्क वाले अपने पुराने आभूषणों को बेच सकें, लेकिन ज्वेलरी विक्रेता 15 जनवरी 2021 से केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने से बने हॉलमार्क वाले आभूषण और स्वर्ण कलाकृतियां ही बेच सकेंगे। दरअसल भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS में पंजीकरण और अनिवार्य हॉलमार्किंग की व्यवस्था को लागू करने के लिए आभूषण विक्रेताओं को एक साल का वक्त दिया गया है। देखिए, हॉलमार्किंग का मतलब ही यही है कि वो सोना जिस क्वालिटी का दे रहे हैं आफ्टर डिफाइनिंग उसकी ग्रेविटी जो है वही रहेगी। जो पहले जो दूसरे लोग टांके काला माल बेच रहे हैं, आज भी बेच रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने उनको एक साल की मोहलत दे दी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अभी ही बंद होना चाहिए था, मैंडेटरी अभी होता, लेकिन अब सरकार ने अगर एक साल की मोहलत दिया, उनके पास जो स्टॉक रखा है उसको वो एक साल में क्लियर कर दे। सोने के सभी गहनों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने के पीछे सरकार का मकसद धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना है। वहीं अगर कोई ज्वेलर्स या हॉलमार्क केंद्र धोखाधड़ी करता है तो उस पर कम से कम 1,00,000 रुपए या उसके कुल आभूषणों की कीमत का 5 गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां पार्टियां चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं, वहीं चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुटा है। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली में 22 पर्यवेक्षक तैनात किए हैं, जो चुनाव में खर्च का हिसाब रख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होते ही चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है। चुनाव आयोग ने पूरी दिल्ली में 22 पर्यवेक्षक तैनात किए हैं, जो चुनावों में होने वाले खर्च पर नजर रख रहे हैं। आदर्श आचार संहिता के अनुरूप निगम के अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थानों से 4,27,135 पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स हटा दिए हैं। हालांकि आयोग को सी विजिल एप्स के जरिए लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अब तक 445 शिकायतों में से 380 शिकायतें केवल पोस्टर और बैनर लगाने को लेकर आई हैं। सी विजिल में हमारे पास अभी तक 445 कंप्लेंट्स आई हैं और सारी कंप्लेंट्स पे एक्शन हो चुका है। 365 केसेस में वो ट्रू पाई गई और 200 इनमें से 263 कंप्लेंट्स को 100 मिनट के अंदर डिस्पोजल किया गया, तो हमारा एक्यूरेसी रेट 80% से ज्यादा है। दिल्ली में 8 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए 13,750 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा, जिसका संचालन पूर्ण रूप से महिलाओं के हाथ में होगा। उसी तरह 11 पोलिंग स्टेशन में चुनावी गतिविधियों का पूरा संचालन दिव्यांग कर्मचारियों के हाथ में होगा। 70 मॉडल पोलिंग स्टेशन होंगे और इन्हीं मॉडल पोलिंग स्टेशन पर ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन होंगे, जिनको हम कई बार पिंक पोलिंग स्टेशन भी कहते हैं, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक PWD स्टाफ्ड पोलिंग स्टेशन भी होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी। जहाँ तक क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस की बात है, ये मैंने आपको बताया था कि इट इज़ एन ऑनगोइंग असेसमेंट, तो फिलहाल 496 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस आइडेंटिफाइड हैं। दिल्ली में 8 फरवरी को मतदान होगा और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।